हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए, हम लोग का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था उसको डिस्कस करते हैं। आज का मेरा टॉपिक जो है वो साउंड है या वेव है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी, अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 500 हर्ट्ज, ठीक है? और ट्रेवल कर, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमें कितना दिया है, 600। डिस्टेंस हमें कितना दिया है यहाँ पे, 600। टाइम कितना दिया है, 2 सेकेंड, ठीक है? तो यहां से पूछा है कि कितना वेवलेंथ होगा इतने डिस्टेंस में, ठीक है? तो इतने डिस्टेंस में हमें क्या निकालना है, वेवलेंथ। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां से स्पीड निकाल लेते हैं, ठीक है? तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा भी, डिस्टेंस कितना दिया है यहाँ पे 600 और टाइम कितना दिया है 2, ये कितना आएगा 300, ठीक है? अब 300 मीटर पर सेकंड आ गया, उसके बाद से कितना वेवलेंथ यहां पे बनेगा, ठीक है? तो कितना वेवलेंथ बनेगा यहां पे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लैम्डा क्या होता है। तो लैम्डा, अगर हमें लैम्डा निकालना है तो भी इक्वल टू क्या होता है, भी इक्वल टू होता है मेरा लैम्डा एफ, ठीक है? तो यहां से हम लोग भी की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, तो भी इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एफ, ठीक? तो भी की वैल्यू कितनी है, 300। लैम्डा फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 500, ठीक? तो ये हो जाएगा मेरा 3/5, ये आ गया मेरा लैम्डा, ठीक? अब देखिए, इतने दूरी में कितना वेवलेंथ मेरा बनेगा, तो ये मेरा कितना है, 600 है, 600 मीटर है, ठीक? तो हम बोल सकते हैं कि n लैम्डा इज इक्वल टू 600, ठीक है? तो ये n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कितना वेवलेंथ बनेगा, तो n इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 3/5, ये जो इक्वल टू कितना, 600। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 × 5/3, ये जो इक्वल टू कितना हो जाएगा n, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है? तो 5 × 2 = 10, तो ये आ जाएगा मेरा 1000। n की वैल्यू कितनी आएगी, 1000, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, कह रहा है कि एक बोट एट एंकर इज रॉक्ड बाय अ वेव व्हिच क्रेस्ट आर 100 मीटर अपार्ट, ठीक है? दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वेवलेंथ कितना दिया हुआ है, वेवलेंथ हमें दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है? वेलोसिटी हमें कितनी दी हुई है, 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? तो द बोट बाउंसेस अप वंस इन एवरी, तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, ठीक है? तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, भी इक्वल टू लैम्डा बाई टी, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई भी, लैम्डा कितना दिया है 100 और ये भी कितना दिया है 25, तो आंसर कितना आएगा 4, ठीक है? कितना आ जाएगा 4 सेकेंड, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है? आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि साउंड वेव है, ठीक? साउंड वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा ट्रेवलिंग इन अ मीडियम विद ए स्पीड ऑफ भी, ठीक है? इसी मीडियम में भी से चल रहा है, उसके बाद कह रहा है इंटर इनटू अनदर मीडियम वेयर स्पीड इज 2b। तो देखिए, जब भी कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो भी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एफ। तो हम बोल सकते हैं एफ क्या हो गया, कॉन्स्टेंट, ठीक? तो अगर कांस्टेंट हो गया तो भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा, ठीक है? तो यहां पे लिख सकते हैं v1/v2 = λ1/λ2, रेशियो ले लेते हैं, ठीक? तो यहां पे v1 क्या है, भी है, हमें v2 निकालना है, v2 नहीं, लैम्डा, लैम्डा निकालना है दूसरे वाले मीडियम का। तो ये भी है और v2 कितना हो जाएगा, 2b, λ1 कितना है लैम्डा, और लैम्डा 2 हमें निकालना है, ठीक है? तो ये चला जाएगा, तो लैम्डा 2 यहां से कितना आ जाएगा, 2λ, तो आंसर क्या आएगा, सी, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है एक ऑब्जर्वर है स्टैंडिंग ऑन द सी कोस्ट, फाइंड दैट 54 रिपल रीच द सरफेस पर मिनट, कितना रिपल यहां पे जा रहा है, 54, और कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में यानी कि 60 सेकेंड में कितना रिपल जा रहा है,
कितना रिपल जा रहा है यहाँ पे, 54. तो एक सेकेंड में कितना जाएगा, एक सेकेंड में हो जाएगा 54/60. तो यही मेरा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी. कोई भी काम हम एक सेकेंड में जितना भी करते हैं वही मेरा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है. तो फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है. इफ द वेवलेंथ ऑफ द रिपल बी 10 meters, ठीक है. तो ये हो जाएगा वेवलेंथ, यहाँ पे कितना दिया है 10 meters, ठीक है. तो 10 meters और व्हाट इज द वेव वेलोसिटी, तो हमें क्या निकालना है, भी निकालना है, ठीक. अच्छा तो ये 54 रिपल पर 54 रिपल जा रही है कितने मिनट में, एक मिनट में. तो हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल लिए हैं, लैम्डा दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, भी यहां से निकाल सकते हैं. तो भी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा एफ. तो भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा एफ. तो ये हो जाएगा मेरा फ्रीक्वेंसी 54/60 और वेवलेंथ कितना दिया हुआ है 10. तो ये आ जाएगा, जीरो से जीरो गया ये 6, 9. कितना आ जाएगा, भी इक्वल टू 9 meters per second. तो आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है. आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन. ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक, x इन मीटर, t इन सेकंड, द स्पीड ऑफ द वेव. तो यहां पे हमें स्पीड पूछा है किसका, वेव का, पार्टिकल का नहीं पूछा है, किसका पूछा है, वेव का पूछा है. तो वेव का जो स्पीड का फार्मूला होता है, v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा/k, ठीक. यहाँ पे v इक्वल टू हम लोग निकाल सकते हैं ओमेगा/k. तो ओमेगा, ओमेगा कितना दिया है यहाँ पे, a साइन ओमेगा t. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7π माइनस ये क्या हो जाएगा kx, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.04. तो ये यहाँ से लिख सकते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7π, और ये k की वैल्यू कितनी आ गई, 0.04, ठीक है. इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 700/4 और ये कितना हो जाएगा, पाई. ये हो जाएगा 2, ये 350, ठीक है. इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 175π, ठीक, मीटर पर सेकेंड. तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है. तो 5 का आंसर क्या होगा, तो 5 का आंसर ए हो जाएगा. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है प्रोग्रेसिव वेव है और व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. यहाँ पे हमें मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है, पार्टिकल की वेलोसिटी बतानी है, ठीक है. तो पार्टिकल का वेलोसिटी अगर हमें बताना है तो v इक्वल टू क्या होता है, a ओमेगा होता है, मैक्सिमम, v मैक्सिमम का फॉर्मूला पार्टिकल का, ठीक है. तो यहाँ पे a, a की वैल्यू कितनी है, यही मेरा a है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 0.5 और ओमेगा, ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा t, यानी 10π. ये कितना हो जाएगा, 5π, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा, v, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई. तो आंसर हो जाएगा मेरा कितना, 5π. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग, रिप्रेजेंट किया गया है द स्पीड ऑफ द वेव. देखिए यहाँ पे स्पीड पूछा है किसका, वेव का. फिर वही फार्मूला लगा देंगे, भी इक्वल टू क्या होता है, भी इक्वल टू ओमेगा/k, ठीक है. तो यहाँ पे लगा देंगे तो आंसर मेरा आ जाएगा, भी इक्वल टू ओमेगा/k. तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, ओमेगा कितना है यहाँ पे, ओमेगा, ओमेगा हो गया मेरा कितना, 4π, और k की वैल्यू kx, यानी 0.55. इसको हम लोग लिख सकते हैं 40/5, ठीक है. ये 5π गया, कितना हो जाएगा, 8, ठीक है. तो आंसर क्या आ जाएगा, डी. तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर हो जाएगा मेरा डी. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम इज 330 इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय 4 times विदाउट चेंज इन टेम्परेचर. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द गैस, देखिए प्रेशर को घटाइए बढ़ाइए कुछ भी करिए, अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा तो प्रेशर के घटाने बढ़ाने से स्पीड में चेंजेस नहीं आएंगे. तो आंसर क्या आएगा, जो था वही आएगा, कितना, 330, ठीक है. आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है डिस्प्लेसमेंट हमें दिया हुआ पार्टिकल का इन अ मीडियम, ये दिया हुआ है, टी टाइम है, एक्स इन मीटर है, स्पीड ऑफ द वेव बताना. फिर वही पार्टिकल का नहीं बताना, किसका, वेव का. तो भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, W/k या ओमेगा/k. तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है, ओमेगा दिया हुआ है यहाँ पे ए साइन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू दी हुई है 100 और के के एक्स, ये के हो जाएगा, तो के की वैल्यू कितनी है, 20, ये कितना आएगा, 5, ठीक है. तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 का,
नाइन वाले का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है फेज डिफरेंस बताना है दो वेव के बीच में। तो देखिए साइन और कॉस, हमें पता है कि कॉस लीड करता है कितने से, पाई बाई टू से साइन के कंपेयर में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस कॉस वाले को चेंज करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, पाई बाई टू आ जाएगा। अब इसके बीच का एंगल और इसके बीच का एंगल देखेंगे तो ये 100t और x प्लस 50, ये तो कॉमन ही है, बस डिफरेंस कितने का आया, 0.5। और कॉस को जब हम लोग साइन में चेंज करेंगे तो पाई बाई टू का आ जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आएगा, तो फेज डिफरेंस आएगा डेल्टा फाई, इसको लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस 0.5, तो ये हो जाएगा 3.14 डिवाइड बाई टू माइनस 0.5। अब डेल्टा फाई यहां से निकाल लीजिए इसको सॉल्व करने के बाद, तो डेल्टा फाई जब निकालेंगे तो ये आएगा 1.07 रेडियन। कितना आएगा, 1.07 रेडियन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि ये ए साइन टू पाई, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, y x which of the following statement is true? तो देखिए इसका आंसर जो होगा a होगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा और इसमें लैम्डा का भी मीटर हो गया, इसका भी मीटर और इसका भी क्या है, मीटर। ठीक है, तो यूनिट लैम्डा का और इसका, यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट ऑफ a, तो ये तो गलत हो गया, और यूनिट ऑफ c इज सेम एज दैट ऑफ 2 पाई, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर, इसका तो डायमेंशन लेस है और ये हो जाएगा ये लैम्डा का क्या हो जाएगा, मीटर, तो ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स और ये मीटर पर सेकेंड, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अब आते हैं ये सी टी माइनस एक्स, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई बाई लैम्डा दिया हो, तो लैम्डा का मीटर, मीटर इनवर्स हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो, और ये तुम्हारा क्या है, मीटर में ही है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ये यहाँ पे ए वाला ही होगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ है वेव ट्रेवलिंग कर रहा है जिसका ए हमें 0.2 दिया हुआ है वेलोसिटी, ये हमें दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमें दी हुई है, वेलोसिटी हमें दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है, देन एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन फॉर द वेव। तो वेव का इक्वेशन जो हम लोग लिखते हैं वो लिखते हैं वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा वाई इज इक्वल टू ये ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी, और के के को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा, वेव नंबर होता है 2 पाई बाई लैम्डा, और ये हो गया एक्स। ठीक है, अब इसको यहाँ पे अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ए साइन, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 2 पाई। ठीक है, और 1 बाई टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ, ये हो जाएगा टी, न्यू भी लिखते हैं और एफ भी लिखते हैं, और यहाँ से हो जाएगा एक्स बाई लैम्डा। ठीक है, सबकी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, तो पुट करने पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी, और हमें क्या दिया हुआ, भी दिया, भी जो कंट्रोल होता है लैम्डा एफ, तो भी कितना दिया 360, और लैम्डा हमें कितना दिया है यहाँ पे 60, तो एफ निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.2 साइन 2 पाई, एफ की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 टी माइनस, ये 60 माइनस, और एक्स, ये एक्स हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी दी हुई है 60, कौन सा आंसर होगा, तो ये हो जाएगा मेरा वाई इक्वल टू 0.2 साइन 2 पाई 60 माइनस एक्स अपॉन 60, तो ये हो जाएगा ए वाला, सी वाला। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, कह रहा रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू इंटरफेरिंग वेव इज 2:1। ठीक है, 2:1 दिया है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है, ए मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है वो होता है a1 + a2, और ए मिनिमम का होता है मेरा a1 - a2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए मैक्सिमम, ए वन और ए टू को जोड़ेंगे अगर रेशियो को, तो ये कितना हो जाएगा 3, और घटाएंगे 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3:1, तो आंसर क्या होगा सी। कभी कभी यहाँ पे इंटेंसिटी का भी रेशियो पूछ लेता है, तो इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, ये आई वन आई टू का रेशियो भी निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए वन या ए मैक्सिमम, और ये क्या हो जाएगा ए मिनिमम का स्क्वायर।
ठीक है, तो यहां से भी हम लोग यूज कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, इंटेंसिटी भी हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इफ द टू वेव एम्पलीट्यूड ऑफ प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेव ऑफ एम्पलीट्यूड ए, देन फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो हमें क्या बताना है, फेज डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कैसे हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि अगर ये यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड ए है और ये भी ए है, ठीक है, और रिजल्टेंट भी अगर हमें ए दे रहा है, यहाँ पे स्मॉल ए है तो ये भी मान लेते हैं स्मॉल ए, मान लीजिए दो वेक्टर है और रिजल्टेंट भी हमें ए ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री होता है, ठीक है, ये तो हम लोग देख के बता सकते हैं। बाकी आप लोग वेक्टर का यूज करके ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, आर इज इक्वल टू ये ए वन का स्क्वायर प्लस ए टू का स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। तो सभी की जगह पे ए पुट कर दीजिए तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस फाइव। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस फाइव जो आएगा, फाइव की वैल्यू जो आएगी, फाइव की वैल्यू आएगी 120 डिग्री, ठीक है, वेक्टर में आप लोग सॉल्व किए होंगे। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी वेव दिया है द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड। देखिए स्टैंडिंग वेव होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग नोड बोलते हैं, और ये पूरा लेंथ क्या होता है लैम्डा, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा बाई टू, ठीक, इसी को हम लोग लैम्डा बाई टू बोलते हैं। दो द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड, तो दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच में डिफरेंस कितने का होता है, लैम्डा बाई टू का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम लोग के निकाल लेते हैं, के क्या होता है वेव नंबर, तो क्या हो जाएगा के इज इक्वल टू टू पाई बाई लैम्डा। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी है, कॉस के एक्स, के की वैल्यू यहाँ पे कितनी है पाई बाई ट्वेंटी, ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा के इज इक्वल टू टू पाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी टू पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ पे के की वैल्यू हम लोग रख देते हैं, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 20, तो ये चला जाएगा और ये कितना आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू 40 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सेपरेशन निकालना है, तो सेपरेशन हो जाएगा मेरा लैम्डा, सेपरेशन जो होगा सेपरेशन हो जाएगा लैम्डा बाई टू, तो लैम्डा बाई टू सेपरेशन होगा, तो लैम्डा कितना दिया है 40 और ये कितना 2, कितना आएगा 20 आएगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे, स्टैंडिंग वेव है प्रोड्यूस हो रहा है 10 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग, इफ द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन 5 सेगमेंट एंड वेव वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 5 सेगमेंट को हम लोग 5 लूप बोल सकते हैं, ठीक है, 5 सेगमेंट इज इक्वल टू 5 लूप, और एक लूप जो होता है ना लैम्डा बाई टू होता है, एक लूप क्या होता है लैम्डा बाई टू। तो हम बोल सकते हैं 5 सेगमेंट है तो 5 लैम्डा बाई टू हो जाएगा, ठीक, और ये किसके बराबर होगा 10 मीटर लॉन्ग है तो ये 10 हो जाएगा, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 5 टू जा 10, तो लैम्डा कितना आ गया 4, और हमें क्या निकालना है फ्रीक्वेंसी, तो हमें स्पीड दिया हुआ कितना 20, तो फ्रीक्वेंसी अगर हमें निकालना है तो वी इज इक्वल टू क्या होता है लैम्डा एफ, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 20, ये कितना हो जाएगा 80, भी जो कल टू हमारा हो जाएगा लैम्डा एफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे, क्या पूछा है इसमें, फ्रीक्वेंसी पूछा है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग लगा सकते हैं, भी जो कल टू क्या हो जाएगा लैम्डा एफ, ठीक, तो भी की वैल्यू कितनी दी हुई है, भी की वैल्यू हमें दी हुई है यहाँ पे 20 और लैम्डा कितना दिया 4, हमें एफ निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू एफ, ये हो जाएगा 5, फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 5 हर्ट्ज, ठीक है, आंसर आ जाएगा ए। थैंक यू।